गुड मॉर्निंग। पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट वेलकम रोड पे एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि हमारे पिछली वीडियो आपने देखी थी, इसका नाइट मोड था, जो भी स्पैन था P4 टू P5 का, जो कंप्लीट हुआ था। नाइट मोड में उसकी कुछ छोटी सी वीडियो आपको दिखाई गई थी, रेसन कम्प्लीशन का और सेलिब्रेशन का। तो अभी उसके बाद ही हमारी वीडियो आई है, एक बार हम अपडेट दिखा देते हैं आपको वेलकम रोड पर क्या अपडेट हुआ है। तो ये देख सकते हैं सामने आप, हमारा जो P1 से लेकर P12 से लेकर जो हमारा सेक्टर है, उस पर जो वर्क है डेक स्लैब का ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो इसमें आप नया एक्टिविटी आप देख रहे होंगे, ये जो गडर है हमारा, उस पर येलो कलर का पेंट किया हुआ है, जो एंटी रेजिन है, जिससे बोल्ट के जॉइंट पर रस्ट ना लगे उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और फर्स्ट कोट सिल्वर पेंट होने के बाद ये एंटी रेजिन किया जाता है, उसके बाद इसकी फाइनल पेंटिंग की जाती है सेकेंड कोट वाली। तो उससे पहले जो भी गडर है या भी कंप्लीट हो चुके हैं डेक स्लैब के नीचे के सारे स्पैन को है पेंटिंग कंप्लीट की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं लेके आपको। ये देख सकते हैं हमीद सेतु से चल के हम आपको ये रेल कंप्लीट का वीडियो दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है आज यहाँ पे हमीद सेतु पर, जो बगल में हाइट गेज लगाया हुआ है जिसे भारी वाहन न जाए। तो कल शाम को डिसमेंटल हो गया था किसी गाड़ी के टक्कर से, तो उसको फिर रिपेयर किया जा रहा है। टीम लगी हुई है हमारे पीछे काम कर रही है, इसी की वजह से पूरा रोड जाम हुआ था। और ये देख सकते हैं वेलकम रोड पे ऊपर जो पैरापिट वाल था क्रस बैरियर का, वो उसका भी वर्क चल रहा है। तो जिधर से डेक स्लैब कंप्लीट हो गया है, उधर से पूरा पैरापिट वाल में भी टीम लगी हुई है, उसका भी काम पैरेलली किया जा रहा है। ये देख सकते हैं अप्रोच बनाया हुआ है नीचे उन्होंने TM कंक्रीटिंग का। आप सामने देख सकते होंगे जो हमारा P4 टू P5 पे क्रेन थी हमारा पोजीशन पे, जो लास्ट फाइनल गडर का इरेक्शन कर रही थी, वो धीरे धीरे मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। उसे वहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि P4 P5 जो लास्ट स्पैन था वो इरेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। और ऊपर जो डेक स्लैब के वर्क हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं, और उनके रेनफोर्समेंट शटरिंग का काम भी तेज़ी से चल रहा है। तो बहुत ही जल्द इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर लिया जाएगा वेलकम रोड ब्रिज को, क्योंकि ये जो हमीद सेतु है इसकी कंडीशन ठीक नहीं है अभी चलने के लायक, इसलिए बहुत ही जल्द, इसलिए प्रेशर है इस प्रोजेक्ट पे कि जितना जल्दी हो सके इस ब्रिज को चालू किया जाए। तो इसी हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए टीम यहाँ पे काम कर रही है, और बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं ऊपर जो हाइड्रा मूवमेंट कर रहा है, डेक स्लैब का कास्टिंग वहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है। आगे ले चलते हैं हम आपको। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा एरिया हमारा जो कम्प्लीट है डेक स्लैब का, ये जो हमारा देख सकते हैं आप वेल फाउंडेशन जो है, डबल डी वेल थी, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हैं डेक स्लैब की टीम यहाँ तक पहुँच चुकी है, और साथ साथ पैरापिट वाल और कैरस बैरियर का भी वर्क तेज़ी से चल रहा है। और वो P4 टू P5 में आप देख रहे हैं वहाँ तक गडर को असेंबल कर दिया गया है, मतलब लेबल्ड कर दिया गया है, और नीचे बेयरिंग भी की जा रही है। और ये देख सकते हैं हमीद सेतु रोड की कंडीशन, बहुत ही भारी जाम लगा हुआ है। सुवल थाना के और राजागंज चौकी के सब पुलिस वाले आए हुए हैं जाम को हटाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।